नमस्कार, मैं पूजा, बिहार टेक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, पटना जोन 7वें से 10वें स्थान पर पहुंचा। गंडक के दबाव से ध्वस्त हुआ 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड, 30 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। पटना एम्स में सिर्फ रेफर कोरोना मरीजों का ही इलाज, परिजनों के प्रवेश पर रोक, फ्लू जांच कॉर्नर भी बंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कोरोना संक्रमित, पत्नी और मां भी पॉजिटिव, वहीं दूसरी ओर राजभवन में भी कोरोना की दस्तक। विरोधी दलों के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से की वर्चुअल रैली पर रोक लगाने की मांग। भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने बिहार की जनता से की अपील, कहा विशेष जमातियों से रहे दूर। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा राजद को आयोग और ईवीएम पर भरोसा नहीं। जदयू ने तय वक्त पर ही चुनाव कराने का किया समर्थन, केसी त्यागी ने कहा डरे हुए लोग चाहते हैं चुनाव टल जाए। सहरसा में कोरोना के साथ साथ डेंगू पर भी वार। भोजपुरी सुपरस्टार केसारी लाल यादव इन दिनों गांव में कर रहे हैं धान की रोपनी, वीडियो हुआ वायरल। अब देश दुनिया की सुर्खियां। विश्व युवा कौशल दिवस पर मोदी ने दिया स्किल, रीस्किल और अपस्किल का मंत्र। झमाझम बारिश से मुंबई बेहाल, हाई टाइड अभी बाकी, अगले दो दिन भारी। राजस्थान की सरगर्मी के बीच झारखंड में ऑपरेशन लोटस का डर, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी खरीदना चाहती है हमारे एमएलए। अयोध्या मामला में ओली के सुर में सुर मिलाते दिखे नेपाली विदेश मंत्री, कहा रिसर्च से बदल जाएगा इतिहास। ताइवान की संसद में जमकर मारपीट, शीशे टूटे, कई सांसद घायल। अब खबरें विस्तार से। सीबीएसई ने बुधवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना जोन के छात्रों का रिजल्ट पिछले साल से 1.17% कम हुआ है। इस बार 90.69% परीक्षार्थी सफल रहे हैं, जबकि पिछले साल 91.86% परीक्षार्थी सफल हुए थे। इस बार पटना जोन देश भर में 10वें स्थान पर रहा है। रिजल्ट में पटना जोन पिछले साल से 3 पायदान नीचे खिसक गया है। पिछले साल 7वें स्थान पर पटना जोन था। 10वीं की परीक्षा में पटना जोन से 217,572 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 197,326 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु पर आवागमन ठप हो गया है। दरअसल इसका अप्रोच रोड गंडक नदी के पानी के दबाव नहीं झेल पाया और देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। इस पुल के पहुंच पथ के ध्वस्त होने से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है और चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों से संपर्क भी टूट गया है। आपको बता दें कि बीते 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। कोरोना के विशेष अस्पताल पटना एम्स में अब सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक और प्रभारियों के लेटर पर रेफर कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। इसके लिए एम्स के गेट पर ही इसकी जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं मरीजों की परिजनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 शिफ्टों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही एम्स में फ्लू जांच कॉर्नर भी बंद कर दिया गया है। बिहार भाजपा मुख्यालय में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र, महामंत्री देवेश कुमार सहित प्रदेश स्तरीय 5 पदाधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संजय जायसवाल की पत्नी और मां की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं राजभवन के 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राजभवन में कोरोना के प्रकोप के कारण कर्मियों और अधिकारियों के दहशत का माहौल है। विरोधी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को निर्वाचन आयोग में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 5 सूत्री मांगों की बाबत एक ज्ञापन भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा। विपक्ष ने मांग की है कि बिहार में वर्चुअल रैली पर रोक लगाई जाए और चुनाव में आम लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पर सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधि मंडल में बागपा माले, सीपीआई और हम पार्टी के नेता शामिल थे। वहीं मेमोरेंडम पर राजद, रालोसपा समेत दूसरी पार्टियों के हस्ताक्षर थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार की खामियों और लापरवाही के चलते बिहार में कोरोना संक्रमण ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। बीजेपी दफ्तर में लगातार वर्चुअल रैली का आयोजन करने से 100 में से 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सत्ताधारी न जाने कौन सी जमात के लोग हैं जिन्हें आम आवाम की जिंदगी की चिंता नहीं है। प्रदेशवासियों से आग्रह है संक्रमण फैलाने वाली इन विशेष जमातियों से दूर रहे, स्वयं परिवार और राज्य को सुरक्षित रखे। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 महीने से ज्यादा का समय है।
इसलिए इस मुद्दे पर सोचने से ज्यादा कोरोना संक्रमण से निपटने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो लोग इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं वे चुनाव आयोग के विवेक पर अविश्वास कर रहे हैं। राजद को तो आयोग, ईवीएम, अदालत और केंद्रीय जांच एजेंसियों तक पर भरोसा नहीं है। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बिहार में तय वक्त पर ही चुनाव कराने का समर्थन किया है। केसी त्यागी ने कहा कि कोरोना समूचे विश्व की समस्या है और इसके बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चालन जारी है। जब अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया जारी है, पोलैंड और श्रीलंका समेत कई देशों में चुनावी प्रक्रिया जारी है, तो फिर बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह तर्क उन लोगों का है जो चुनाव से डरे और घबराए हुए हैं और कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव को स्थगित कराना चाहते हैं। सहरसा में अब चुनौती सिर्फ कोरोना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बारिश की शुरुआत होते ही डेंगू का भी खतरा गहराने लगा है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग कोरोना के साथ साथ डेंगू की रोकथाम पर भी कार्य कर रहा है। जिला वीवीडी नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया, प्रत्येक वर्ष जुलाई एंट्री डेंगू माह के रूप में मनाया जाता है। जिले के सभी प्रखंडों को डेंगू पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। जिले के सभी पीएचसी में डेंगू जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भोजपुरी के सुपरस्टार केसारी लाल यादव कोरोना काल में आजकल अपने गांव में रहकर धान की रोपनी कर रहे हैं। इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते काम धंधों में मंदी है। केसारी लाल यादव रसूलपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से घर पर ही है और धान की रोपनी भी खुद कर रहे हैं। वायरल वीडियो में केसारी लाल यादव के साथ उनके घर के लोग और गांव के युवा भी धान की रोपनी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गाना भी गाया है और किसानों की मेहनत की सराहना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोरोना काल ने वर्क कल्चर और नेचर ऑफ जॉब बदल कर रख दिया है और युवा इसके मुताबिक खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत स्किल ही है। मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि तेजी से बदल रही इस दुनिया में स्किल, रीस्किल और अपस्किल ही प्रासंगिक रहने का मंत्र है। इस मंत्र को जानना, समझना और इसका पालन करना अहम है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। जगह जगह पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग के मुंबई सेंटर ने तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही मौसम अगले दो दिन तक बने रहने की संभावना है। हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बयान को आपत्तिजनक बताया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सरकार अस्थिर करने का आरोप लगाया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है, इसलिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अयोध्या को लेकर दिए विवादित बयान की नेपाल से लेकर भारत तक हर तरफ आलोचना हो रही है। ओली के बयान पर नेपाली विदेश मंत्रालय ने जहां सफाई दी, वहीं अब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली दावा कर रहे हैं कि रिसर्च से अयोध्या का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अब तक केवल विश्वास के आधार पर ही सभी बातों को मानते हैं। ताइवान की संसद में नामांकन को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक सांसद घायल हो गए और बिल्डिंग के शीशे टूट गए। खबरों के मुताबिक विपक्षी कौमितांग पार्टी के सदस्य सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से भिड़ गए। उन्होंने नामांकन करने जा रही चेन चू को संसद के मुख्य चेंबर में घुसने से रोक दिया। इसके बाद दोनों दलों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। कौमितांग पार्टी के एक सांसद मारपीट के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों से कई सांसद घायल हुए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।